अब ये तो रही बात अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन की। अब अगर हम बात करें कि अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। अब क्योंकि बट्टे पर निर्गमन किया जा रहा है, यानी कि कौन सी कंडीशन है, एक उदाहरण के तौर पर 100 रुपये के शेयर को अगर 80 रुपये पे इशू किया जाता है, यानी जितने अंकित मूल्य का वो अंश था उससे कम मूल्य पर उसको निर्गमित किया गया, यानी जो डिफरेंस की अमाउंट है वो ये मान ली जाएगी कि वो बट्टे की अमाउंट है। अब बट्टा दिया गया है, एक प्रकार का व्यय है, हानि है, तो जिस प्रकार प्रीमियम को हमने क्रेडिट में लिखा वैसे ही बट्टे को हम यहाँ पर डेबिट में हम उसकी एंट्री कर देंगे। और यहाँ जबकि हमने देखा कि प्रीमियम के अमाउंट को हम जोड़ के लिख रहे थे, लेकिन क्योंकि बट्टा हमने दिया है तो बट्टे के अमाउंट को हम लेस करके लिखेंगे, यानी कि घटा के लिखेंगे। तो कुल मिलाकर बट्टे से संबंधित जो प्रविष्टियाँ होती हैं अलग अलग कंडीशन में होती हैं। कई बार बट्टा जो है वो अलॉटमेंट पे भी रहता है, कई बार फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कॉल पे भी रहता है, तो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, किस तरह का प्रश्न है, कब बट्टा दिया जाना है। तो जैसी भी कंडीशन होगी उसके आधार पर अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। आइए देखते हैं कि जब बट्टे से संबंधित प्रश्न होते हैं तो उनमें किस प्रकार की प्रविष्टियां की जाती हैं। अंशों के बट्टे पर निर्गमन की दशा में आवेदन के राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अंश आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करने पर एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस्तों में अंश की राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि की जाएगी यदि आवंटन की राशि बट्टा सहित देय होती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट इज इशू शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवंटन के राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने देखा कि बट्टे संबंधी प्रविष्टि कौन कौन सी है। अब आइए देखते हैं कि बट्टे पर अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। हमने तीनों दशाएं देखी, जबकि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया गया, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया गया और उसके बाद बट्टे पर अंशों का निर्गमन किया गया। निर्गमन के बाद कुछ ऐसे अतिरिक्त दशाएं, कुछ ऐसे एडिशनल कंडीशंस भी होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको प्रविष्टियां करनी होती हैं। इन सभी कंडीशंस के बारे में हम संक्षिप्त में कुछ जानेंगे और उसके आधार पर उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अदत्त या अवशिष्ट याचना क्या है और उससे संबंधित प्रविष्टि किस प्रकार की जाती है। तो जब हम बात करते हैं अदत्त या अवशिष्ट याचना की, यानी कि कॉल्स, तो जब हम बात करते हैं अदत्त याचना की, अवशिष्ट याचना की, यानी कि कॉल्स इन एरियर की, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, क्या है अवशिष्ट याचना, पहले हम ये मान लें। सीधे सरल शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि मांगा और प्राप्त नहीं हुआ, तो ये कहलाता है अदत्त याचना या अवशिष्ट याचना या कॉल्स इन एरियर। जब अंश निर्गमित हो जाते हैं तो हमने देखा कि किस्तों में उनकी राशि प्राप्त होती है। आवंटन के बाद तीन अलग अलग याचनाएं की जाती हैं और डिपेंड करता है कंडीशन में, कई बार बची हुई राशि एक साथ प्रथम याचना पर ही मांग ली जाती है, कई बार प्रथम द्वितीय और कई बार प्रथम द्वितीय और तृतीय याचना, तीन याचनाओं में मांगी जाती है। कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जिनसे याचनाओं की जो राशियां होती है, आवंटन की जो राशियां होती है, मांगने पर भी वो नहीं देते हैं, या जो उनको अवधि दी जाती है निर्धारित अवधि की, इस अवधि के अंतर्गत आपको राशि दे देनी है अंशों की, वो नहीं देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो है इनकी जो एंट्री होती है उसकी, उसको अवशिष्ट याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर के अंतर्गत उसकी प्रविष्टि करती है। और ये जो कॉल्स इन एरियर है इस पर कुछ ब्याज भी लगा दिया जाता है। तो ब्याज के संबंध में यहाँ पर नियम है कि 5% की दर से जो ब्याज होता है वो अवशिष्ट याचना पर वास्तव में देय होता है। और ये इसकी तिथि क्या होती है कि जिस दिन उसको पैसा देना था और वास्तव में उसने जिस दिन दिया उस दिन की तिथि तक का जो डिफरेंस रहता है, उतनी तिथि तक का जो याचना की जो राशि रहती है अदत्त याचना की, अवशिष्ट याचना की, उस पर जो है वो ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो किस प्रकार से अदत्त या अवशिष्ट याचना की कैलकुलेशन की जाती है, उस पर ब्याज लगाया जाता है, आइए इससे संबंधित प्रविष्टियों को हम देखते हैं। अदत्त याचना पर ब्याज की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट।
अवशिष्ट याचना के दशा में अवशिष्ट याचना खाता खोले जाने पर एवं अवशिष्ट याचना राशि अवशिष्ट याचना खाते में अंतरित करने पर एंट्री होगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट। इस आदत्त याचना यानी कि मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो आपने देखा कि आदत्त याचना या अवशिष्ट याचना से संबंधित प्रविष्टियां कौन कौन सी होती हैं। अब आइए इन प्रविष्टियों पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। महामाया कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। इन पर राशियां इस प्रकार दी थी, 10 रुपए आवेदन पर, 5 रुपए आवंटन पर व शेष 5 रुपए प्रति अंश याचना पर। 400 अंशों के एक धारक से याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई। कंपनी के पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यहां हम देख रहे हैं कि 20 रुपए वाले 10,000 समता अंश निर्गमित किए गए हैं और इनमें से 400 अंश के धारक ऐसे हैं जिनसे याचना यानी कि 5 रुपए जो प्रति अंश लास्ट में दिया गया है वो राशि रिसीव नहीं हुई है। कॉल्स इन एरिया टाइप का ये क्वेश्चन है और ब्याज की एक जो प्रविष्टि है वो इसमें करनी है। तो यहाँ पर हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगी। फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो एप्लीकेशन मनी की होगी रिसीव और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। और 10,000 शेयर है हमारे पास और एक जो शेयर है वो 10 रुपीज का है, एप्लीकेशन पे 10 रुपीज है, तो 1 लाख जो होगी वो इसकी अमाउंट हो जाएगी। अब इस 1 लाख की अमाउंट जो हमको एप्लीकेशन पे मिलती है हम उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड हमारी जो एंट्री होती है वो होती है अलॉटमेंट की ड्यू की। और नॉर्मल एंट्री हम ड्यू की यहाँ पर करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट हम देखते हैं कि हमारे पास 10,000 शेयर है और प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अलॉटमेंट पे जो हमको देना है वो है 5 रुपीज। तो ये 50,000 हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू और इसी तरह से रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। और यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव अंशों पर आवंटन की राशि प्राप्त। और 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब जो एक नया पॉइंट इसमें आता है वो है कि याचना जो है लास्ट में 5 रुपए प्रति अंश उसमें ड्यू तो वो पूरे से होगा यानी 10,000 शेयर से होगा लेकिन रिसीव के समय वहां पर हमको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो वो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो ये सामान्य प्रविष्टि है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि जो कॉल है उसकी राशि जो है वो 5 रुपीज ही है तो 10 × 5 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमको एक कैलकुलेशन करनी होगी क्योंकि रिसीव जो हुआ है वो 400 शेयर्स पे अभी एरियर्स बच रहा है, अभी नहीं मिला है हमको। तो हम ये देखते हैं कि 400 शेयर्स पे 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2,000 जो है वो कॉल्स इन एरियर है और एक्चुअली हमको 50 में से 48,000 ही रिसीव हुए हैं। तो रिसीव करते समय जब कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चन हम बनाते हैं तो रिसीव करते समय हमको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी जैसे कि हमने प्रविष्टियाँ देखी थी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमको जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको हम बैंक अकाउंट में लिखते हैं। तो हमको यहाँ रिसीव सिर्फ 48,000 ही हुआ है क्योंकि 400 शेयर्स पे हमको कॉल की अमाउंट नहीं मिली है और उसी 400 शेयर की जो कॉल की अमाउंट है 400 × 5 = 2,000 उसको हम कॉल्स इन एरियर में लिखेंगे। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट 2,000 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये टोटल 50,000 से क्लोज करेंगे। या नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। और 4 लाख जो है वो इसका टोटल है अमाउंट कॉलम का और इस तरह से अकाउंट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ABC कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 20,000 अंश निर्गमित किए। इन अंशों पर रकम निम्न प्रकार दी थी, 30 रुपए आवेदन पर 1 मार्च 2012 को,
₹40 आवंटन पर 1 जून 2012 एवं ₹30 प्रथम एवं अंतिम याचना पर 1 सितंबर 2012 को। एक्स जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे, देय तिथि पर प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि नहीं दे पाया, किंतु उसने यह रकम 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 नवंबर 2012 को भुगतान कर दी। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ जो शेयर्स हैं उन पर डेट दी गई है, तो क्यों दी गई है ये डेट आगे हम कैलकुलेशन में देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि जो राशियां नहीं मिल पाई है, एरियर है, उन पर ब्याज की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। यहाँ हम देखते हैं कि 20,000 शेयर है और उस पर जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो है 30 रुपीज, तो 30 × 20,000 6 लाख यहाँ पर अमाउंट हम डालेंगे। और अब इस 6 लाख की अमाउंट को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हमारी सेकेंड जो एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और 6 लाख से हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ हमको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में डेट दिए गए हैं, प्रत्येक जितने भी रिसीव जितने भी पॉइंट्स है, चाहे वो एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के या कॉल्स के, तो उनको डेट वाइज यहाँ पर एंट्री करेंगे। थर्ड जो एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट की ड्यू की, तो अलॉटमेंट की ड्यू की यहाँ पर एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये हम देख रहे हैं कि जो अलॉटमेंट है वो है 40 रुपीज 20,000 शेयर्स पे, यानी कि 8 लाख जो है वो इसकी अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। और रिसीव की हम जैसे पहले करते थे ठीक उसी तरह से रिसीव की एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव 8 लाख से। डेट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1 जून की ये एंट्रीज है, तो 1 जून हम यहाँ पर डेट जरूर डाल देंगे, और उसके बाद 1 सितंबर में फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू और रिसीव हो रहा है, तो ड्यू के टाइम हम उसकी एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और ये हो जाएगा 20,000 शेयर्स पे जो फर्स्ट कॉल है वो 30 रुपीज के हिसाब से 6 लाख, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद अब इस फर्स्ट कॉल के रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हम विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि दे तिथि पर एक्स एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। एक्चुअली जो 30 रुपीज है वही फर्स्ट एंड वही फाइनल कॉल है, तो यहाँ पर ड्यू की जो हम एंट्री करेंगे वो तो पूरे 20,000 शेयर से करेंगे, लेकिन रिसीव की जो एंट्री करेंगे उसमें ये 200 शेयर को हम अलग कर देंगे और उसको हम कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड में हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट कर लें। तो हम देखते हैं कि 200 शेयर पे 30 रुपीज नहीं मिले, यानी कि 6,000 रुपीज नहीं मिले, जिन्हें हम कॉल्स इन एरियर के डेबिट साइड में लिखते हैं। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू हुआ था टोटल 6 लाख, जिसे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 लाख में से 6,000 नहीं मिले, मतलब मिले कितने हैं हमको, जो मिले हैं वो हम बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, यानी 5,94,000 की अमाउंट हमको मिली है, तो उस 5,94,000 को यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। और यहाँ पर हम नरेशन में स्पष्ट कर देंगे being first and final call receive on 19,800 shares only। अब जो नया पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये है कि प्रश्न में लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है, किंतु उसने यह रकम 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 नवंबर 2012 को भुगतान कर दी। तो क्योंकि ब्याज सहित 1 नवंबर 2012 को वो भुगतान कर रहा है, लेकिन उसको देना था सितंबर 1 सितंबर को देना था, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का यहाँ पर ब्याज लगेगा, नवंबर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1 नवंबर को उसने दे दिया है।
और सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का यहाँ ब्याज लगेगा इस पर, जो 6,000 रुपए की अमाउंट उसने नहीं दी थी, और वो ब्याज 10% की दर से देना है। तो हम वर्किंग नोट यहाँ पर बनाएंगे, 6,000 × 10 × 2 / 10 × 12, क्योंकि यहाँ पर हम मंथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए इंटू 12 भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज। अब इस 100 रुपीज की जो एंट्री है वो हम करेंगे 1 नवंबर, हम इसकी डेट डालेंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट रिसीव 100 रुपीज। तो इस तरह से इसके अमाउंट कॉलम को हम 40,100 से क्लोज कर देंगे। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 40,000 अंश निर्गमित किए, राशि का भुगतान आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए तथा शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर करना है। अरुण जिसके पास 400 अंश है उसने आवंटन पर ही याचना की राशि का भुगतान कर दिया। आवंटन व याचना से संबंधित पंजी प्रविष्टि दीजिए एवं अग्रिम मांग खाता बनाइए। यहाँ हमको क्योंकि एक नया पॉइंट इस प्रश्न में जो आ रहा है वो है कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कुछ राशि जो भविष्य में ड्यू होनी थी, भविष्य में चाहिए थी, वो उसने पहले ही जो है भुगतान कर दी। तो यहाँ पर जब हम पंजी प्रविष्टि करेंगे तो हमारी फर्स्ट जो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की और सेकंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल की। तो फर्स्ट हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 40,000 शेयर है हमारे पास और जो एप्लीकेशन मनी है वो एट द रेट ऑफ ₹3 इच दिया हुआ है। तो ये 40,000 × 3 1,20,000 से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन की मनी हमको रिसीव हुई है इसको हमको ट्रांसफर कर देना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से। नेक्स्ट थर्ड जो एंट्री होगी हमारी वो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 40,000 × 4, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है 4 रुपए आवंटन की राशि है, तो 40,000 × 4 यानी कि 1,60,000 यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, और नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हमको अलॉटमेंट के रिसीव की जो एंट्री करनी है वहां पर कुछ नए पॉइंट्स जुड़ेंगे इस प्रश्न में। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि एक ऐसा शेयर होल्डर था अरुण जिसके पास 400 शेयर है कंपनी के और उसने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल दे दिया। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू एंड रिसीव है वो आफ्टर देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद है, लेकिन उसने पहले ही दे दिया यानी कि एडवांस में दे दिया। तो अब जब हम अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करेंगे तो वहां पर क्या चेंजेस आता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ तक तो हम नॉर्मल एंट्री करते थे, लेकिन एक चीज इसमें जुड़ जाएगी टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो हमारी प्रॉपर हम जो यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब अमाउंट हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि अरुण जो एक शेयर होल्डर था उसके पास 400 शेयर है और फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो 3 रुपए है, 3 रुपीज इच है, तो ये टोटल जो है 400 × 3 यानी कि 1200 जो है वो कॉल्स इन एडवांस है। और अलॉटमेंट तो हम देख ही रहे हैं कि अलॉटमेंट के ड्यू के जो अमाउंट हुई है वो है 1,60,000। तो टोटल जो हमको रिसीव हो रही है अमाउंट, क्योंकि एडवांस जो है वो हमको जुड़ के मिल रहा है, तो टोटल 1,61,200 जो है वो बैंक में यहाँ पर डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। बहुत सावधानी से हमको इसका नरेशन लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव टुगेदर विद एडवांस ऑन 400 शेयर ऑन विच एंटायर अमाउंट वॉज पेड, यानी कि कुल मिलाकर हम यहाँ पर पूरी तरीके से विस्तृत रूप से नरेशन यहाँ पर हम देंगे। अंशों पर आवंटन की राशि के साथ 40,000 अंशों पर आवंटन की राशि के साथ 400 अंशों पर प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर। अब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हमको एंट्री यहाँ पर करनी है वो ड्यू की एंट्री सिंपल एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बींग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 1,20,000 से। लेकिन रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो हमको बहुत सावधानी यहाँ पर रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अमाउंट इसमें से विथ अलॉटमेंट पे कर चुके हैं हम, तो इसकी हम बहुत सावधानी रखेंगे। और एंट्री हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमने देखा अभी कि यहाँ पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल जो ड्यू हुई थी फर्स्ट कॉल की अमाउंट वो थी 1,20,000, लेकिन इसमें से 1,200 जो है वो पहले से ही पे किए जा चुके हैं, तो उसको हम पहले यहाँ पर अलग करके लिख लेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट साइड में 400 × 3 यानी कि 1,200 हमने पहले से पे किया है। तो अब हमको यहाँ पर जो रिसीव होगी वो होगी 1,18,800 और टोटल जो अमाउंट थी वो हम देख रहे हैं कि 1,20,000 थी। यहाँ पर हम बहुत सावधानी से इसका नरेशन लिखेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन 39,600 शेयर एंड एडजस्टमेंट मेड फॉर 100 शेयर ऑन विच अमाउंट हैड बीन रिसीव विद अलॉटमेंट मनी, यानी कि 39,600 अंशों पर आवेदन 39,600 अंशों पर प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर और 400 अंशों की राशि और 400 अंशों पर अग्रिम याचना की राशि समायोजित करने पर।